विद्या बुद्धि और स्वर की देवी माँ सरस्वती। आज सरस्वती पूजा है जिसे हम वसंत पंचमी भी कहते हैं और आज 26 जनवरी भी है। इसे लेकर छात्रों में खास उत्साह। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा को लेकर तमाम स्कूल कॉलेज अलग अलग कोचिंग संस्था इन तमाम जगहों पर छात्र पिछले कई दिनों से इसे लेकर तैयारियाँ करने लगते हैं और आज इस वक्त मैं पहुँची हुई कोचिंग संस्था में। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही है, क्या रंगारंग कार्यक्रम है, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आज सरस्वती पूजा को लेकर सुबह से क्या क्या आप लोगों ने किया और आगे क्या करने की भी तैयारी है? काफ़ी कुछ हुआ सुबह से ही, यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन और काफ़ी कुछ पूजा पाठ भी किया गया यहाँ पे, क्योंकि आज सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस दोनों ही है तो डबल मज़ा हो रहा है यहाँ पे। तो अब तो हमने जैसा कि अभी देखा कि नाच गाना हुआ, उसके बाद शाम को खिचड़ी का भी प्रोग्राम है। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे आप लोग इसे लेकर? इसकी तैयारी कुछ मकर संक्रांति के बाद से ही चालू हो गई थी। सब ने इस पे काफ़ी खुल के मजा किया, काफ़ी योगदान दिया अपना। नाम बता दें? अंशुमन झा। आप बताइए कि कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी, क्या क्या परफॉर्मेंसेज अभी और होने बाकी हैं? 10-15 दिन से तो तैयारियां चल ही रही थी। अभी जैसे डांस परफॉर्मेंस बहुत किसी से बच्चों का हुआ, अभी शाम में खिचड़ी का प्रोग्राम होगा। कितने दिनों से प्रैक्टिस चल रही थी? आप बताइए कि क्या तैयारियां की जा रही है और माँ सरस्वती से आज आपने क्या कुछ मांगा? माँ सरस्वती से एक ही चीज़ मांगा कि हमारे लाइफ में मतलब बहुत कुछ अचीव करे हम लोग, सबको ही करे। और हमारे अभ्यास में बहुत दिन से तैयारी चल रही है सरस्वती पूजा को लेके, आगे है खिचड़ी का शायद प्रोग्राम है और देखते हैं क्या होगा। हमारे साथ यहाँ पर इस संस्था के शिक्षक हैं, हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सर, सरस्वती पूजा को लेकर काफ़ी उत्साह दिख रहा है और इस बार 26 जनवरी भी साथ ही में है, तो इसे लेकर और क्या विशेष तैयारियाँ आप लोगों की ओर से की गई हैं? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा संस्थान जो पिछले 10 दिन से करीबन तैयारी कर रहा था सरस्वती पूजा को लेकर, क्योंकि पिछले दो वर्षों से मतलब कोरोना काल में बच्चों का ये एक जो काफ़ी उत्साह से ये लोग सेलिब्रेट करते सरस्वती पूजा वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार हम लोग का था थीम कि बच्चे इस चीज़ को एंजॉय करें, 2 साल को जो कोरोना काल में वो जो नुकसान हुआ उसको भूलते हुए मतलब एक अच्छा एक माहौल उनको मिले। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद हम लोग इसमें कामयाब रहे हैं। और भी आगे का हम लोग का प्रोग्राम है, कल हम लोग का विसर्जन भी होना है, उससे पहले भी हम लोग कुछ बच्चों के लिए इवेंट रखे हुए हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब एंजॉय इस चीज़ को कर रहे हैं जी, क्योंकि पढ़ाई लगातार होती ही रहती है और क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, 26 जनवरी भी है तो डेकोरेशन भी हम देख सकते हैं कि उस थीम को ध्यान में रखते हुए बलून्स का जो यूज़ किया गया वो तिरंगे का कलर यूज़ किया गया। हाँ हाँ, ये जनरली हमारे सोनू सर का मतलब ये थीम दिया हुआ था कि आज जैसा कि रिपब्लिक डे भी है तो उस चीज़ को लेकर हम लोग ट्राई कलर से इसको बेसिकली सजाने का भी कोशिश किए हैं कि एक रिपब्लिक डे का भी हम लोग का जो नेशनल फेस्टिवल है उसको भी हम लोग दर्शाएँ और साथ ही साथ माँ सरस्वती का भी मतलब आशीर्वाद को ले सकें। तो ऐसे लोगों की मान्यता काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कि हमारे जो देश के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि दोनों फेस्टिवल कहें, अगर हमारा 26 जनवरी भी है और साथ ही साथ माँ वसंत पंचमी भी है, तो एक आस्था, अलग सी एक आस्था देखने को मिल रही है सभी बच्चों के अंदर, तो अभी भी जुड़ाव जो है वो बच्चों का है हमारे? जी बिल्कुल, जुड़ाव तो है ही बच्चों का और यहाँ पर तो अभी हम लोग इन दिनों जो देख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ जुड़ाव तो है ही बच्चों का और इस बार तो काफ़ी उत्साह से बच्चे जो हैं रिपब्लिक डे स्कूल में सेलिब्रेट किए हैं, स्कूल से सेलिब्रेट करके डायरेक्ट बच्चे हमारे कोचिंग पे आके और माँ सरस्वती पूजा का वंदन भी आज किए हैं। काफ़ी मतलब बच्चों में एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को उत्साह देखा। तो बिल्कुल आपने देखा, हमने कुछ बच्चों से बातचीत की, इस संस्था के शिक्षक से बातचीत की, सभी के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोगों ने सुबह पहले फ्लैग होस्टिंग की क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचकर माँ सरस्वती की वंदना की। ना सिर्फ यहाँ बल्कि धनबाद के हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल और हर एक संस्था में हम देख सकते हैं कि आज सरस्वती पूजा को लेकर एक अलग का उत्साह देखने को मिल रहा है और अलग अलग परफॉर्मेंसेस किए जा रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बच्चों में उत्साह है और बच्चे अभी भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपनी संस्कृति से कितना जुड़े हुए हैं और ये जुड़ाव उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को रिपब्लिक डे और साथ ही साथ सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।